गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने फाइनेंस लेना है, ज़रूरत है आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की, तो न्यू इशू आप सिक्योरिटीज़ का लेके आते हैं और वो लेके आते हैं आप प्राइमरी मार्केट में। जो सिक्योरिटीज़ है हम उन्हें दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक है आपका ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ और दूसरा है आपका डेब्ट सिक्योरिटीज़। पहले बात करते हैं ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ की। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ऑनर्स ऑफ द कंपनी कहा जाता है। जो शेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस। जो शेयर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ को, तो हम उन्हीं के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा इक्विटी शेयर्स। जब आप कंपनी की पूरी कैपिटल को शॉर्ट डिनोमिनेशंस में, स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट को आप शेयर कहते हैं। अप टू 1956 जो कंपनीज थी वो इशू कर सकती थी तीन टाइप्स के शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डेफर्ड शेयर्स। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 ने लिमिट कर दिया टाइप्स ऑफ शेयर्स को सिर्फ प्रेफरेंस और इक्विटी के बीच में। तो वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी या ऑर्डिनरी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के। उनकी जो कैपिटल होती है वो रिप्रेजेंट करती है रिस्क कैपिटल कंपनी की। ये शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में और जो भी इनकम बचती है, एसेट बचती है, बाकी सब जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के बाद उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेसिडुअल क्लेम होता है। रेसिडुअल क्लेम का मतलब है कि बाकी सभी आउटसाइडर्स की जो भी क्लेम है उनको पे करने के बाद जो भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। जो रेट ऑफ डिविडेंड है जो इन शेयर्स के ऊपर मिलता है वो डायरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, मतलब कि फिक्स नहीं होता है और डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है डायरेक्टर्स के डिसीजन के ऊपर। अगर प्रॉफिट्स हाई हैं तो इन्हें हायर रेट से डिविडेंड मिल सकता है, अगर प्रॉफिट कम है तो इन्हें कम रेट से डिविडेंड मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें कुछ भी ना मिले। और ये जो शेयर्स हैं वो कंपनी की लाइफ टाइम में आपको रिडीम नहीं करने होते हैं। एज पर अमेंडमेंट मेड इन कंपनीज एक्ट 1999 जो कंपनीज हैं उन्हें अलाउड है कि वो जो शेयर्स इशू कर रही हैं उसे बायबैक कर सकती हैं सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस जो सेबी ने लेड डाउन की है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इक्विटी शेयर्स के? पहला है रेसिडुअल क्लेम ऑन इनकम। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका रेसिडुअल क्लेम होता है कंपनी की इनकम पे। जब पेमेंट हो जाएगी प्रेफरेंस डिविडेंड की उसके बाद जो इनकम बची है सिर्फ उसी पर वो क्लेम कर सकते हैं, उसी पर उनका क्लेम हो सकता है। अगर प्रॉफिट्स इनसफिशेंट है डिविडेंड पे करने के लिए तो डायरेक्टर्स स्किप भी कर सकते हैं कि इक्विटी डिविडेंड नहीं मिलेगा। देन रेसिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स, इसी तरीके से जो क्लेम होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का एसेट्स के ऊपर कंपनी का, वो भी रेसिडुअल होता है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें पहले रीपे किया जाएगा सारे डेब्ट्स वगैरह पे करने के बाद, और लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पे ऑफ किया जाता है। देन आती है लिमिटेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड सिर्फ अमाउंट तक होगी, जो शेयर का प्राइस है सिर्फ उतने ही अमाउंट तक जो उनकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। देन प्रीएम्प्टिव राइट्स, इसका मतलब है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें प्रीएम्प्टिव राइट्स मिलती हैं, उन्हें प्रीएम्प्टिव राइट्स एज पर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 मिलती है। इसका मतलब है कि जब भी कंपनी फर्दर इशू निकालना चाहती है शेयर्स का तो सबसे पहले उन शेयर्स को वो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ऑफर करती है। देन नेक्स्ट है राइट टू कंट्रोल। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास फुल कंट्रोल होता है, कंपनी के ऑनर्स वो होते हैं, इंजॉय करते हैं वोटिंग राइट्स कंपनी की मीटिंग्स में। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें टू टाइप्स की प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो क्या क्या? कि जो पेमेंट होगा डिविडेंड का आउट ऑफ प्रॉफिट्स
इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। दूसरा, जो रीपेमेंट होगी कैपिटल की इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है। इनके पास वोटिंग की राइट नहीं हो सकती। ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल विद इन 10 ईयर्स। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इन्हें मिलता है और कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, हम बात पहले कर चुके हैं। और अगर इनका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है उस केस में इनके पास वोटिंग राइट्स हो सकती हैं। देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फर्स्ट है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास राइट होता है कि अगर किसी ईयर में इन्हें डिविडेंड नहीं मिला है तो उसका जो एरियर है नेक्स्ट ईयर्स में इन्हें मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं अगर किसी ईयर में इनका डिविडेंड इनको नहीं दिया गया है तो नेक्स्ट ईयर में इनका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। एक्यूमुलेट इन द सेंस क्यूमुलेट नहीं होगा, इन द सेंस कि नेक्स्ट ईयर में वो पे नहीं किया जाएगा। एक बार गया नहीं मिला तो नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। नेक्स्ट इज योर रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम्ड होते हैं, जो आप वापस करते हो एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। जबकि जो अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर्स की, अगर आप पे बैक नहीं करते हो, वापस नहीं करनी है आपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, तो उन शेयर्स को नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आपने अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसका मतलब है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बच रहा है, उस प्रॉफिट में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है वो प्रेफरेंस शेयर्स जो जब उन्हें एक बार जो डिविडेंड मिलना था मिल गया प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उस प्रॉफिट में जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसे हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज योर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें आप ऑप्शन देते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अपने जो शेयर्स हैं उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में। जो पीरियड है और जो कन्वर्जन रेशियो है वो क्लियर होनी चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अंडर द टर्म्स ऑफ इशू। दूसरा, जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास ये राइट नहीं होती कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, उन्हें हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। देन नेक्स्ट इज योर गारंटेड एंड नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जिनके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड गारंटेड होता है उसे हम गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और वो शेयर्स जिनके ऊपर गारंटी नहीं होती है उन्हें हम नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। देन आता है आपका क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को कि वो इशू कर सकती है इस टाइप के शेयर्स, और ये जो अलाउ किया था उन्होंने अलाउ किया था 1985 में। इन शेयर्स को आप इशू कर सकते हो अगर एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो न्यू प्रोजेक्ट्स का, एक्सपेंशन कर रहे हो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की, मॉडर्नाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पैसा चाहिए। जो फेस वैल्यू है इन शेयर्स की नॉर्मली 100 रुपीज़ ईच होती है और जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10% होता है। इन शेयर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। देन इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के? पहला है मैच्योरिटी। जो कंपनी है उसको फिक्स्ड कैपिटल मिल जाती है प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह, लेकिन नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आपको वापस भी नहीं पे करना होता है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करते हो कंपनी के ऑप्शंस के ऊपर एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू। देन आता है क्लेम्स ऑन इनकम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलती है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लेम ऑन एसेट्स की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका क्लेम पहले होता है कंपनी की एसेट पे एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द
कंपनी। देन आती है कंट्रोलिंग पावर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं होती है कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और अदर मैटर्स में उनका कोई लेना देना नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होती है, लेकिन उन्हें राइट टू वोट मिल सकता है अंडर सेक्शन 87 स्पेसिफाइड इश्यूज के लिए, अगर वो उसे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेफर्ड शेयर्स। इन शेयर्स को फाउंडर शेयर्स भी कहा जाता है। ये जो शेयर्स होते हैं वो प्रमोटर्स या जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी को, उन्हें इशू किए जाते हैं जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके लिए। ये जो शेयर्स होते हैं स्मॉल डिनोमिनेशंस में होते हैं और इन शेयर्स पर वोटिंग राइट मिलती है। जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो प्रमोटर्स के हैंड में रहती है। जो पेमेंट है डिविडेंड का इन शेयर्स के ऊपर वो सबसे लास्ट में किया जाता है। और जो कंपनीज एक्ट 1956 है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इस टाइप के शेयर्स के इशू के ऊपर किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। देन आता है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को एट अ डिस्काउंट या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर वो कोई नो हाउ प्रोवाइड करवा रहे हैं या कोई राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या वैल्यू एडिशन एक्सेट्रा प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या है, जो कंपनी है वो पास करेगी एक स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी जर्नल मीटिंग में। जो रेजोल्यूशन है वो स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस और कंसिडरेशन इफ एनी, और अगर जो क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज हैं जिसको वो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसकी डिटेल्स रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई होनी चाहिए। जो कंपनी है वो इशू कर सकती है इन इस टाइप के शेयर्स सिर्फ और सिर्फ एक साल कंप्लीट होने के बाद जिस डेट से उसने कमेंस किया है बिजनेस। जो इक्विटी शेयर्स है कंपनी के वो लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर। जो इशू है स्वेट इक्विटी शेयर्स का वो इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस होना चाहिए जो सेबी ने उसके लिए बनाया है। जो इशू है स्वेट इक्विटी शेयर्स का अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो इन अकॉर्डेंस विद दी जो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं उसके लिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी सारी लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस प्रोविजंस रिलेट करती हैं इक्विटी शेयर से वो एप्लीकेबल होंगी स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर। लॉक इन पीरियड होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का 3 साल। जो प्राइस होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का वो लेस नहीं होना चाहिए। लेस किससे नहीं होना चाहिए, जो भी हायर होगा किस क्या हायर होगा, एवरेज वीकली हाई और लो क्लोजिंग प्राइसेस का ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स या फिर 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। जो आइडिया है स्वेट इक्विटी शेयर्स का एम्प्लॉयज को देने का वो ये कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो एम्प्लॉयज के बीच में। तो ये थे हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है आपका शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। सेक्शन 43 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो अलाउ करता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को 2 तरीके के शेयर्स के लिए, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सेक्शन 43 स्टेट करता है कि जो शेयर कैपिटल है एक कंपनी की जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो 2 तरीके की हो सकती है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल में जिसके पास वोटिंग राइट्स है, दूसरा विद डिफरेंशियल राइट्स किस चीज के रिगार्डिंग, डिविडेंड, वोटिंग राइट या अदरवाइज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो सब्जेक्ट टू कंडीशंस है जो भी प्रिस्क्राइब की गई है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमेंडमेंट्स की गई थी कंपनीज एक्ट 1956 में 2000 में रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स बाय द कंपनी। उसके बाद सेक्शन 88 जो है कंपनीज एक्ट का वो ओमिट किया गया जो प्रोहिबिट करता है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आप डिस्प्रोपोर्शनेट राइट के लिए कर सकते हो। तो फॉर द इशू ऑफ सच शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है कंपनी को इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट रूल्स 2001। सर्टेन कंडीशंस हैं जो वो उसके ऊपर लगाती हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।